भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर किसी तरह का नहीं होगा और हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल राजस्थान में जिनका जिस तरह का प्रभाव राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जैसे कहीं ट्राइबल का है तो कहीं दूसरी पार्टियों का उनसे गठबंधन पे विचार हो सकता है पायलट अगर, अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनसे भी गठबंधन करेंगे मैं तो चाहता हूं सचिन पायलट का जो अपमान बार बार अंदर कांग्रेस में हो रहा है उनको छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस मैं पायलट साहब हमेशा ये भी कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाए अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो तो बहुत जबरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है बार बार दिल्ली में कहता है कि वसुंधरा के बिना ये नहीं तो वसुंधरा थी ना पिछली बार वो तो बारह तेरह एम मैंने बना दिए इनके वैसे ही दिल्ली के अंदर कई लोगों लोग मेरे संपर्क है मदद कर दी उनकी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं राजस्थान के अंदर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलपी के अध्यक्ष और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल हनुमान जी इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी गठबंधन के लिए साथी तलाशने की कोशिश कर रही है अभी दो दिन पहले आपसे मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की, की आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब और दिल्ली के देखिए भगवंत मान तो मेरे अच्छे मित्र हैं लोकसभा में साथ रहे हैं और वो एक मेरा पारिवारिक कार्यक्रम था बेटी के बर्थडे का उसमें तमाम पार्टियों के लोग आए थे पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुद्दों को लेकर पार्टी का गठन किया कर्ज मुक्त राजस्थान कर्ज मुक्त किसान फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान रोजगार मजबूत लोक इनको लेकर हमने बड़ी हुकार रैलियाँ करी उसके बाद पार्टी का गठन किया और ये शायद पहली पार्टी राजस्थान की सत्तर साल में जो क्षेत्रीय पार्टी का जिसको दर्जा मिला सत्तावन सीटों में हमने पिछली बार बिना गठबंधन के उम्मीदवार उतारे नौ लाख के करीब वोट हमारा आए लोकसभा के अंदर हमने बीजेपी से गठबंधन किया और 25 सीट बीजेपी एनडीए के रूप में हम सबको मिली और किसान आंदोलन में हम अलग हो गए इसमें हमने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर किसी तरह का नहीं होगा और हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल राजस्थान में जिनका जिस तरह का प्रभाव राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जैसे कि कहीं ट्राइबल का है तो कहीं दूसरी पार्टियों का उनसे गठबंधन पे विचार हो सकता है ये पहले से हमने शुरू से क्लियर कर रखा है मतलब ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी नई प्लेयर है उसके साथ भी गठबंधन की संभावना है देखिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टियां लड़ रही है इस देश के अंदर बीएसपी के साथ गठबंधन हमने पिछली बार भी प्रयास किया था समय पे बातचीत नहीं हो पाई प्रॉपर जो मैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला बातचीत का तो नहीं हो पाया था और पिछली बार हम सबने मिल के कांग्रेस बीजेपी का जो वोट शेयर था राजस्थान में एक करोड़ उनचालीस लाख कांग्रेस को मिले एक पैंतीस के लगभग भाजपा और अस्सी लाख के क्रम हम सबको मिले वोट मिला के तो अब की बार मैं इतना ही कहता हूँ राजस्थान का किसान जवान राजस्थान का बदलाव चाहता है जिस तरह राजस्थान अपराध में एक नंबर पे आ गया बदनामी जो राजस्थान की हुई कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान को लूटा उससे लोग रा दोनों पार्टियों से मुक्त शासन राजस्थान के अंदर चाहते हैं तीसरा मोर्चा पहला मोर्चा बनेगा वोट दो करोड़ के लगभग जाएगा हम सबका मिला के राजस्थान के और हम ये चाहते हैं कि वोट एक जगह आ जाए सारा हम प्रयास करेंगे कि बीजेपी को भी रोकें और कांग्रेस को भी रोकें हम इस तरह का प्रयास राजस्थान के इतनी नाराजगी होगी आपकी भारतीय जनता पार्टी से 19 में तो चुनाव आपने साथ मिल लड़ा भारतीय जनता पार्टी में आप रहे आपके पिताजी रहे इतनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से कैसे? वो तो मैं तो अलग होकर पार्टी बनाई ना मेरी खुद की वो मुझे गठबंधन दिल्ली के अंदर करना था जिस परिवार से मेरा झगड़ा था पोलिटिकली वहाँ उसको हराने के लिए मुझे कुछ वोटों की आवश्यकता थी और मेरे पास स्टेट के अंदर वोट थे तो गठबंधन था जिसमें दो सीट मुझे दे रहे थे एक सीट ही ली मैंने इनसे सिंबल का कोई लफड़ा हो गया था और हमने पूरे प्रदेश के अंदर इनका सोलह सीटों में प्रचार भी किया कई एम है मिनिस्टर हैं जो आर की वजह से जिन जो वेंटिलेटर से जीत के आगे थे और किसान आंदोलन के अंदर चूँकि मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी हमने वचन दिया लोगों को कि जवान किसान को आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आर मैदान में आएगी और किसान आंदोलन के अंदर हमने सत्ता छोड़ी और हम अलग बा सारे बाई इलेक्शन अलग राजस्थान के अंदर लड़े एक मेरा छोटा भाई जीता उपचुनाव आर जीती और छह जगह भाजपा हारी तीन एक, एक जगह आरएलपी एल सेकेंड रही बीजेपी की जवान जब्त हुई एक जगह निर्दलीय और आरएलपी समर्थित उम्मीदवार सेकेंड रहा बीजेपी थर्ड रही जो भी प्रदेश बनते हैं उन, बने उनके इलाके में दो जगह भाजपा चौथे और तीसरे नंबर पर रही तो तमाम जगह राजस्थान में आर ने अपना वर्चस्व बढ़ाया पंचायत पाली चुनाव लड़े और जवानों की पहली पसंद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग सत्ता के बहुत करीब आएंगे मतलब सबसे बड़ी पार्टी मिलके और नंबर एक की ओर भी आ है भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन में कई बदलाव कर लिए हैं सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया सतीश पूनिया की जगह और दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की लड़ाई सामने आती है उसका फायदा आपको लगता है मिलेगा देखिए मैंने तो एक बयान ये भी दिया था पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनसे भी गठबंधन करेंगे मैं तो चाहता हूं सचिन पायलट का जो अपमान बार बार अंदर कांग्रेस में हो रहा है उनको छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस देखिए हम लोगों ने जब पार्टी बनाई पायलट के पिताजी तो बहुत बड़े नेता थे देश के सब इन्होंने मंत्री पद से ले डिप्टी सी सारे हम तो कभी सत्ता में ही नहीं रहे सतहत्तर से लेके आज तक जो हमारा सफर है लंबा चालीस साल से ज़्यादा का हम विपक्ष में रहे हमेशा फिर भी सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहे खुददारी से लड़ते रहे मैं पायलट साहब को हमेशा ये ये कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाएं अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है तो तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे चले कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की इस फुट का फायदा भी मिलेगा और बीजेपी जो गुटों में बंटी हुई है बारह तेरह गुट है बारह तेरह मुख्यमंत्री के दावेदार है हर कोई सीएम बना हुआ है और और पूर्व सीएम की बार बार जो बात कहते हैं वसुंधरा जी की तो उनकी जो छवि थी भ्रष्टाचारी जो उनके काम थे जिसकी वजह से सरकारें गई लोगों को ये लगता होगा लेकिन वसुंधरा का मूल जो वोट था वो जाड था और राजपूत तो जाट अलग हो गया उनसे राजपूतों खुद के एक दर्जन नेता तैयार हो गए राजस्थान का इसलिए मैडम का कोई जलवा राजस्थान में रहा नहीं बार बार यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि वसुंधरा के बिना ये नहीं तो वसुंधरा थी ना पिछली बार वो तो बारह तेरह एमएलए मैंने बना दिए इनके वैसे ही दिल्ली के अंदर इनके कई लोगों ने मेरे संपर्क थे मदद कर दी उनकी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं राजस्थान के अंदर कत्ते और हम लोग मिलकर राजस्थान में बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी रोकेंगे आप इतने गठबंधन करेंगे तो चेहरा कौन होगा नेतृत्व कौन करेगा हनुमान बेनीवाल करेंगे देखिए वो तो गठबंधन जब होगा तो सारी चीज़ें तय भी हो जाएगी कि कौन क्या करेगा लेकिन अभी राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में कोई खड़ी पार्टी तो आर पार्टी है विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के बाद बीजेपी और आर तीन विधायक बाकी बसपा बस का विलय हो गया बी टूट गए इधर चलेगी कांग्रेस में कम्युनिस्ट भी टूट गए तो आर ही राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभा रही है सबसे बड़ी पार्टी है सबसे अच्छा वोट लिया सारी लड़ाई लड़ी विपक्षी भूमिका निभाई ये चीजें बात की है लेकिन हमारा पहला मकसद ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और तो कांग्रेस को राजस्थान में रोकें अन... ये मिला जुली का खेल है इसको खत्म आ... करें राजस्थान अंतिम सवाल है आपसे हनुमान जी अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो ऐसे में आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या कांग्रेस दोनों की तरफ ही नहीं रहेगा हमारा झुकाव कतई नहीं रहेगा दोनों की तरफ अगर रहे तो फिर तो गठबंधन ही कर ले तैयार है फिर हम क्यों जाएं दूर हम बिल्कुल अलग रहेंगे दोनों पार्टियों के साथ कभी नहीं रहेंगे किसी भी सूरत में जी ये थे हनुमान बेनिवाल कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा